So today, we have a personality who is India's number one and most creative problem solver. अब ऐसी चीज बोलिए problem solver और क्या perspective है, because today we have amongst us Ojasvi Sharma. Ojasvi is a film director. He wants to be known as a film director, but इनकी कहानी और इनकी story में film direction से बहुत कुछ ज़्यादा है, because ये stories के through he changes the social fabric of India one story at a time. एक award winner हमारे साथ है films में ना, we were just talking before this, films में एक highest award होता है, सबसे highest award जो है वो है रजत कमल. This, the president herself, you know, handed over the award to Ojasvi. Rajat Kamal, the highest film award, inko mila hai September 2022 mein. And before we go into his story, welcome Ojasvi. It's such a pleasure to have you amongst us. Today we have you amongst a lot of promising young, not so young startups. And today we are here to be inspired by you. तो हम लोग गाइस एक तरीके से करेंगे, हम ओजस्वी की कहानी सुनेंगे, ओजस्वी के चैलेंजेस सुनेंगे, हम ओजस्वी से पूछेंगे आज वो क्या कर रहे हैं, बट एक ट्विस्ट डालेंगे इसके बाद हम जोड़ देंगे स्टार्टअप्स और फिल्म्स को, एंड वील कंपेयर द टू सो दैट यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस सेशन. इज इट फेयर? बिल्कुल. सो विदाउट फर्दर डू, ओजस्वी जी, लेट्स गो बैक एंड लेट्स यू नो अनफोल्ड एंड द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ ओजस्वी. सर, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब, एंड वेयर डू यू बिलोंग टू, एंड हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? So I was born in New Delhi, and our family moved here in 2003. I was on the road to become an engineer, and during the final year of my engineering, I discovered my passion for making films. So I always loved taking photographs, and taking photographs came with a lot of means. You needed a camera, phones the nahi, phone cameras weren't that advanced कि आप उस स्किल को सीरियसली परस्यू कर सको. एंड वाइल आई वॉज वर्किंग इन बैंगलोर, तो माई फ्रेंड हैड कम होम फॉर द जॉब सिनेरियो हेयर, एंड आई टोल्ड, कहते घर से क्या लेके आऊँ, पिन्नियाँ लेके आऊँ, बिस्किट लेके आऊँ, जो घर से बन के आती ना चीज़ें वो. मैं कहा नहीं, मेरा कैमरा ले आ बस, बिकॉज मैं अकेला था एक नई जगह में और मैं वहाँ का कुछ वापस लाना चाहता था. तो मैंने कहा मैं क्या लेके आऊँ वापस, तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यादें. मैं यादें लेके आया, और तब फोटोज ही थी. अब जब मैं अपनी मदर को फोटोज़ दिखा रहा था, तब मैं उन्हें बातें समझा रहा था कि फ़ोटो में ये था, उस वक़्त वहाँ ये चल रहा था, उस वक़्त वहाँ ऐसा चल रहा था, वहाँ भीड़ पे भीड़ थी, और ये ब्रिगेड स्ट्रीट है, और यहाँ पे सारे लोग खाने पीने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं. फिर मैंने सोचा कि, मैंने कोटेशन पढ़ा था, ये पिक्चर स्पीक्स अ थाउजेंड वर्ड्स. मैंने कहा नहीं यार, इसके साथ 1000 वर्ड तो मुझे बोलने पड़ रहे हैं. सो देन हाउ अबाउट आई ब्रिंग इन वॉइस, आई शोकेस कि वहाँ क्या था और मैंने उस चीज़ को कैसे देखा. वंडरफुल. सो जब भी एक फिल्म बनती है तो वो एक निर्देशक का पर्सपेक्टिव है. हो सकता है कि आप ताजमहल गए हों, आपका अलग वर्जन हो, लेकिन जिस तरीके से एक लव स्टोरी वहाँ पे जाके ख़त्म होती है या वहाँ से शुरू होती है, वो उसको सुनाने वाले का या उसको दर्शाने वाले का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक नज़रिया है. तो अपने नज़रिए से अपनी कहानी को रखने के लिए वो मेरा पहला स्टेप बना, जब मैंने फिर अपने पैसे जोड़ने शुरू किए कि भाई आई विल इन्वेस्ट ऑन मोर टेक्नोलॉजी, मोर हार्डवेयर. पढ़ाई के साधन कम थे, अगर घर से यहाँ भी कोई बोले कि मुझे फिल्म स्टडीज़ परस्यू करनी है, तो सबसे पहले डर आ जाता है पेरेंट्स के मन में, भाई फिल्मों में चले जाओगे, वहाँ तो कोई जानता नहीं है, वहाँ तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है, वहाँ तो मी टू मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वहाँ कुछ भी स्टार्ट हो सकता है जो कि गॉसिप सेंट्रिक हो जाता है. तो डर बहुत था. Were you always wanting to be behind the camera? Because, भाई honestly, इनकी तरफ देखिए, personality देखिए, ज़्यादा actor ज़्यादा लगते हैं director से. Ladies, yes, वो तो देख ही जा रही हैं. So, I mean, was it always के behind the camera रहना है, कभी front of the camera भी आने का मन था? फिल्म बनानी थी,
उद्देश्य ये था कि फिल्म बनानी है ना, वट एवर इट टेक्स टू मेक द फिल्म. आप आगे रह के तो बना नहीं सकते, तो पीछे रहने का पॉइंट नहीं होता. पीछे डिपार्टमेंट ज्यादा है, आगे एक ही डिपार्टमेंट है एक्टिंग, पीछे हजारों डिपार्टमेंट है. तो या तो एक डिपार्टमेंट का काम करो और अगली बार जाके दूसरी जगह रोल मांगो, दूसरी जगह जाके काम मांगो, फिर तीसरे स्टूडियो जाओ, फिर चौथी जगह जाओ, साहब मैंने ये काम किया है, मैंने यहाँ पे ये, मैं भीड़ में पीछे खड़ा था, मैं ये चार लोगों के साथ मैं पांचवें नंबर पे मैं ही खड़ा हूँ, मैंने सीन दिए थे वो काट दिए. वो स्ट्रगल नहीं थी, वो मेरे भाग्य में नहीं लिखी थी. जो एंटरप्रेन्योर्स यहाँ फेस करते हैं, ये सबसे पहली जो चीज़ फेस करते हैं वो है अनसर्टेनिटी. एक रिस्क होता है, तो आपका भी तो वही सेम जर्नी रही, कुछ तो रिस्क था ना, अनसर्टेनिटी थी ना. रिस्क अभी भी है, हमेशा है, हमेशा है. आप फिल्म्स बना रहे हो, अब जब मैं प्रेसिडेंट मैम से अवार्ड लेने चढ़ रहा था स्टेज पे, तो आपको नंबर मिला होता है, सीट नंबर ना, तो जैसे ही आपका नाम कॉल होने वाला होता है, दिस इज अ रिहर्सल, और आप चढ़ते हो, तो जब आपकी क्यू आगे मूव करती है ना, तो आपके आगे भी जो होते हैं वो भी रिसिपिएंट होते हैं, वो फॉर बेस्ट म्यूजिक होते हैं, उसके आगे बेस्ट कोरियोग्राफी होती है, ये बेस्ट फिल्म में ना तेलुगु लैंग्वेज होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. जो जैसे ही आप आगे सरक रहे थे ना, और जब पता होता ना अब आपकी बारी आ गई, अब आपका नाम चढ़ेगा, और आपने चढ़ना है, और 30 सेकंड में आपने नीचे उतरना है, तो वो 30 सेकंड में आपकी जिंदगी की पूरी रील चलने लग पड़ती है कि हमने क्या किया था कि यहाँ तक पहुँचे. तो पता नहीं कि स्ट्रगल एक पॉइंट के बाद ना, अगर आदत बन जाए या आपको उसमें मज़ा आने लगे. मुझे लगता है कि जो आदमी वजन भी घटा रहा है ना, उसकी भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है. स्ट्रगल हर एक लेवल पे है, तो इट्स नॉट अ कंपेरेबल स्ट्रगल, बट इट्स लाइक कि अगर आपको स्ट्रगल से मोहब्बत है, तो आपको वो स्ट्रगल नहीं महसूस होगी. आपको पता है कि आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको उस लेवल तक जाना है, और आप अपने रास्ते. लोग कहते हैं ये स्टीव जॉब्स का बड़ा फेमस था, नाउ ही इज नो मोर, बट उसका बड़ा फेमस था कि लाइफ इज अ जर्नी एंड इट्स अ कनेक्शन ऑफ ऑल डॉट्स. वो कहता है यार कहीं ना डॉट्स जुड़ती रहती है और हमारी लाइफ की एक जर्नी बनती रहती है, एक स्टोरी बनती रहती है. आपकी भी लाइफ की एक जर्नी, एक स्टोरी है. ये डॉट्स अभी आप वहाँ तो पहुँच गए, अब अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, वो स्टोरी की डॉट्स कैसे कनेक्ट, थोड़े डॉट्स बताओ अपनी. मैंने पहली फिल्म जब अपने आप सेल्फ सेविंग से फिल्म बनाई, तो दैट फिल्म गॉट सिलेक्टेड इन मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल. अच्छा जी, and this is the time when YouTube is also prevalent. Everything, अभी तो plagiarism rules भी नहीं आए थे, कुछ नहीं था, अभी सब चल रहा था, everything had just started, right? So पहली बार तो film era से उठ के आप digital era में just enter, you are in the transition phase, where you are learning something कि वो reel में चल रही है, और अभी आप वो emergence of cine cameras आप imagine कर रहे हो कि ARRI पे काम करना है, large format, everything is supposed to be large format. ये DSLR वाला सिस्टम तो पिछले 5-6 साल में बूम किया है, उससे पहले तो DSLR पे फिल्म बनाने वाले को नहीं कहते थे कि ये कोई फिल्म बन रही है इससे. मेरी जर्नी अभी, और मेरे को भी भूल जाता है पता है क्या है, फ्रेंकली कि 135 फिल्म्स बना चुके. किसी का फोन आता है, वो कहते हैं भाई एक जगह काम मिल रहा है, तो अर्ली लेवल पे ना जब बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं ना, तो पहले स्ट्रगलर्स इकट्ठे हो जाते हैं. ये तो है, उनमें बहुत भाईचारा हो जाता है कि लेट मी हेल्प यू, यू विल हेल्प मी, वी विल हेल्प यू. पहले सब साथ साथ ऑडिशन देने जाते हैं, साथ साथ फिल्म में काम मांगने जाते हैं. एक फिल्म में डायरेक्टर के साथ 5-6-7-8 मल्टीपल शेड्यूल्स में असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, तो आपको होता है कि किसी भी तरह एक फिल्म के सेट पे आपको कुछ दिन बिताने को मिल जाए, जहाँ पे आप डायरेक्टर जो रिक्वायरमेंट रखे, कॉस्ट्यूम की, एक्शन की, प्रॉपर्टीज़ की. सिर्फ एक सेट पे ये काम है कि सीन नंबर 12 से 13 में जाने के लिए जितनी भी एक्टर के कॉस्ट्यूम है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए. वो कॉस्ट्यूम सुपरवाइजर का काम होता है, जो कि डायरेक्टर के अंडर होते हैं. एक्शन डायरेक्टर है कि अगर इस साइड से शूट किया है, थप्पड़ राइट हैंड से पड़ा है, तो कहीं कैमरा उधर लगाने के बाद थप्पड़ लेफ्ट हैंड से ना पड़ जाए, ये राइट गाल पे ना पड़ जाए, लेफ्ट पे ना पड़ जाए, तो एक्शन की कंटिन्यूटी का मॉनिटर करने का काम होता है. तो किसी भी तरीके आप उस रूम में हो जहाँ वो एक्शन चल रहा है, दूर से देख रहे हो कि डायलॉग कैसे बोल रहे हैं, कितनी देर ट्रैक चलता है, एक्टर कितने कदम चल के आगे आएगा, तो आप ये चीज़ें सीखने के लिए सेट पे चले जाते हो. और वहाँ पे जाके ये भी सीखा कि देखो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, एवरी डे यूनिट काउंट होता है, और आपको बहुत सारे लोग शूटिंग पे आते हैं, तो हर एक का खाना पीना, उसकी पानी की बोतलें मीटेड होती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर का बिल खर्चा स्पेंड हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा अप्रेंटिसेस और इंटर्न्स तो रख ही नहीं सकते. तो किसी भी तरीके आप कहते हो खाना डब्बा मैं अपना लेके चला जाऊंगा, मुझे वहाँ खड़े होने का मौका दो, तो यू हैव टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव टू फिगर आउट योर ओन वेज.
तो आज भी कोई मुझे कोई यंग कोई भी न्यू कमर या यंग नहीं मैं कह सकता क्योंकि आई एम वर्किंग विद ऑल एज ग्रुप्स नाउ, बट कोई भी नया जो भी फिल्मों में आता है जब भी वो मेरे को अप्रोच करते हैं मैं पहले उनको कहता हूँ कि हाँ आप करो क्योंकि मैं अपना टाइम नहीं बोल सकता. सो हमारे स्टार्टअप्स में एंड आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर राइट, सो हमारे स्टार्टअप्स में हम लोग कहते हैं स्किल्स जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है. हमें सबको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है राइट. वी हैव टू बी मल्टी टास्कर्स ऑल्सो एंड अ फिल्म डायरेक्टर आई एम श्योर इज अ मल्टी फैसेटेड मल्टी टास्कर लाइक यू नो एंड डिफरेंट डिफरेंट आप हैट्स पहनते हैं डिफरेंट टाइम्स पे. बट एक लेट्स से एनीबॉडी लुकिंग एट यू ये एक फिल्म डायरेक्टर के स्किल्स ये कहाँ से सीखते हैं एंड कैसे लाइक यू नो हाउ डिड यू अक्वायर योर स्किल्स. टुडे यू सीम लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट लीडर, यू've गॉट द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू've ऑब्वियसली गॉट अ प्रेजेंस, यू आर फेमस नाउ, बट वो स्किल्स क्या थे, आपने अपने स्किल्स कैसे वो यू नो शार्पन किए, अपने टूल्स कैसे शार्पन किए. आई थिंक लर्निंग इज ऑन द जॉब, मतलब कि एवरी फिल्म इज अ डिफरेंट बेबी वेरी डिफरेंट स्टोरी. क्योंकि अगर मैं वही सेम फिल्में हम बनाते रहेंगे जो हमने पहले भी बनाई थी या कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसका अपग्रेड बना देंगे, सीक्वल ही बनाएंगे, कहानी आगे मूव करेगी, नए किरदार आएंगे, तो ये ना बहुत मेकिंग फिल्म्स हैज बीन अ बिग इमोशनल ग्रोथ फॉर मी. तो जब हम इतने लोगों से मिलते हैं और वेरियस जब हम एक ऑफिस में या मान लीजिए अगर हम जैसे अब यहाँ बैठे हुए हैं वी डोंट कम फ्रॉम वेरी एक्सट्रीम बैकग्राउंड्स, मे बी वी हैव सम सिमिलैरिटीज वेयर वी कैन टॉक अबाउट कल्चर और फूड और सम थिंग्स, बट इन अ फिल्म आर लाइट मैन और आर स्पॉट दादा इज लाइक falls apart from the director or maybe the producer and somebody you know. So कोई बस्ती में रहता है, कोई कहीं रहता है, वो सारे लोग इकट्ठे आते हैं और वही आपका माइक लगा रहा है, वही फिट कर रहा है. So you learn a lot and then you are also supposed to play a lot of characters. This is hands-on learning. Of course, every film is a hands-on learning. So that is why कि एक same team से जैसे अगर हम startups में भी देखें तो maybe here we have more prospect growth, but here we'll have marginal exceptional growth or marginal exceptional failure also. So everything is quantum centric. बहुत बड़ा every time there is big risk involved. इसलिए लोग नए चीज़ पे bet कम कर पाते हैं. जसवी जी के साथ बैठे हुए थे जस्ट बिफोर दिस एंड कहते अगर फिल्म सक्सेसफुल तो एक्टर की, फ्लॉप तो डायरेक्टर की, क्योंकि फ्लॉप का जिम्मेदारी तो कोई लेना चाह रहा है. एंड आप कोई पिक्चर नहीं चलेगी ये तो प्लान ही नहीं कर सकते ना. Every idea is there if you speak to everybody with an idea. Their idea from their point of view is supposed to work. वो जान लगा देते हैं ना. देखो ना आप टीम ऐसे नरेशन होती है, बिल्कुल नरेशन का सीन बिल्कुल यही होता है जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे राइटर्स बैठे हुए इस तरफ और सारे एक्टर्स बैठे हुए हैं, सबकी स्क्रीन प्ले कॉपीज पड़ी हुई हैं, हम डायलॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं. अगर कोई भी एग्री नहीं कर रहा होता ये पिक्चर काम करने में तो वो मीटिंग नहीं कभी होती. Everybody wants this to work. Even the costume one is there, the action one is there. वो action वाला देख रहा है कि साहब ये actor ना मुझे लग रहा है ये सर इनसे action नहीं होगा सर. वो बता रही है सर इसको tone down कर लें, maybe this will not work in our case. You know maybe we can tone down the action scenes. तो होता है. अभी हम सब बैठे हुए हैं, कुछ सीखने आए हैं आपसे, कुछ लाइक लेके जाएंगे, कोई एक कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ, कोई एनेक्डोट ऐसा सुनाओ जो हमें लगे कि आप मेरे को वहाँ पर हम जब बैठे हुए थे आप अमिताभ बच्चन जी की कहानी सुना रहे थे. आई एम श्योर गिव अस अ स्टोरी दैट एवरीबॉडी स्टोरी दैट इज मोर रिलेवेंट टू द रीजन. दीजिए मैं अभी हाल ही में ही फेस्टिवल के लिए एडवाइजर जो चंडीगढ़ के हैं उन सर से भी मिलने गया था. तो वो बड़े इंटरेस्टिंग सीली पूछ रहे थे, उनके पास वक्त बहुत कम होता है बिकॉज उनके पास सिटी के बहुत मैटर्स हैं जो वहाँ पे चल रहे हैं. तो जैसे ही वाज टोल्ड दैट आई एम आउटसाइड द ऑफिस तो विद इन 5 मिनट्स ही सेड की कॉल हिम एंड बैठे और पिक्चर कैसे बना रहे हो, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, अच्छा क्या कर रहे हो. फिर मैंने उनको कहा कि सर मेरी अगली पिक्चर आ रही है तो आप सिनेमा में देखने ज़रूर आना. मैं ज़रूर आऊँगा. फिर मैंने कहा सर फोटो तो बनती है. फिर उन्होंने फोटो कराई तो लोग को बहुत शौक है यू नो जस्ट बींग पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस. मैंने 2019 में जो फॉर्मर पंजाब के गवर्नर हैं श्री VPS बदनौर साहब उनको फिल्म किया ओके फॉर द मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का कैंपेन. सो उनके लिए ना हमने उनकी जितनी स्क्रीन प्ले एंड पॉइंट चीज़ क्या है यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टार कास्ट. इसमें स्टार कास्ट नहीं थी, इसमें सारे रियल पीपल थे. मतलब आप इन द सेम कैंपेन अब आप मेरे चैलेंज को समझो एज अ डायरेक्टर. The governor of Punjab is there, the chief minister of Punjab is there, the finance minister,
पंजाब वाज एट दैट टाइम मनप्रीत बादल साहब ही वाज देयर एंड द एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल टी एस शेरगिल साहब बिकॉज इट्स अ मिलिट्री कैंपेन और वही थे. अब चार लोग एक आपकी फिल्म में है और आप किसी की फुटेज घटा नहीं सकते और किसी की बढ़ा नहीं सकते क्योंकि चारों बहुत जरूरी हैं और उनको आपस में भी मतलब देयर इज अ बिग थिंग कि भाई किसने क्या बोला है. सो वो जब भी मैं किसी के जाता था वो मेरे से पूछते थे अच्छा उन्होंने क्या बोला है, तो फिर मैं उनको बताता था कि उन्होंने क्या बोला है. अब मैंने हमने बदनौर साहब को फिल्म की मतलब उनकी कैंपेन के लिए ना टॉकिंग पॉइंट्स लिख के भेज दिए कि सर क्योंकि अब जब सारा वर्कड आउट ही है और पूरे कैंपेन की आउटकम से ये पांच बातें ही रहती थी जो कवर करनी थी और वी आर होपिंग ये अगर गवर्नर साहब बोलेंगे तो इट विल ऐड फेदर्स यू नो. तो मैं गया तो जो एडवाइजर और पीए टू द गवर्नर थे वो मैडम आए पीछे से कहते हो जस्वी एक्चुअली ना सर ने ना आप अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिख ली है. मैंने कहा भाई स्क्रिप्ट चेंज हो गई. तो फिर हमने सर को फिल्म किया तो वो अच्छा वो आए एंड ही वॉज वेरी इंक्विजिटिव. तो अब इट्स अ रूम जहाँ पे बाहर एडीसी भी खड़े हुए हैं बाद में पीछे वो बहुत इट्स अ वेरी हाई सिक्योरिटी रूम और आपका मतलब आपकी जेब से लेके सर तक आपका चेक होके अंदर जाता है कि आप कुछ कर रहे तो नहीं वाले और आप ये वर्ड तो यूज नहीं कर सकते कि मैं सर को शूट करने आया हूँ. मतलब हम कहते हैं ना हम शूटिंग पे जा रहे हैं तो फिल्म की शूटिंग होती है तो शूट कि वो अगर आप राजभवन के अंदर एंटर किए ना तो जो कैमरामैन उस वक्त मेरे साथ थे जो भी हमारे प्रेजेंट कैमरामैन हैं उनके उनको जानते हैं हम सारे तो वो शीशा खोल के कहते हैं बड़े अच्छे से हम ना गवर्नर साहब को शूट करने आए हैं. मैं क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है हम फिल्म करने आए हैं थोड़ा आप अच्छे से टर्म यूज करो. तो फिर हम अंदर गए और फिर सर ने अपने पैशन ऑफ और फोटोग्राफी के बारे में बताया कि वो करते मतलब सबका ना एक हॉबी है बट व्हेन दे रियलाइज अच्छा आप इस कैमरा से रिकॉर्ड करोगे या इस कैमरा से रिकॉर्ड करोगे. कहूँगा सर हम दोनों कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज़ वी आर देयर टू मेक दैट कैंपेन. अच्छा ये कैमरा इतने बड़े क्यों हैं. तो इट्स लाइक इंक्विजिटिव एंड देन यू कांट बी वेरी ऑब्वियस विद देम. तो अच्छा लगता है कि नो कि वो आप में एक्टिव हैं. और तो ये यहाँ के केसेस हैं. अभी चंडीगढ़ हम लोग फिल्म कर रहे हैं शूटिंग चंडीगढ़ इज वेरी डिफिकल्ट. जैसा हम चंडीगढ़ को इमेजिन करते हैं ना पर जब कैमरे पे देखोगे तो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जब आपकी कई कहानी चंडीगढ़ में ब्रीथ करती है तो आप सारी फिल्म लेक पे तो बना नहीं सकते. आपका प्रोटैगनिस्ट घर से निकल के ऑफिस जाता है ऑफिस से निकल के मार्केट जाता है. फिर हमने रियलाइज़ किया कि पेड़ ही पेड़ हैं. अब जब सड़क पे कैमरा लगाते हैं तो दुकान ही नजर आती दुकान में कैमरा लगा हो तो वो बहुत पास हो जाता है. तो वो बहुत चैलेंजेस मिलते हैं पर हम उनको एंजॉय करते हैं. चंडीगढ़ तो हमने ऐसे अपने आप से इतना नहीं देखा हो जितना पंजाबी पिक्चरों में हमने चंडीगढ़ देखा हो. तो उसमें भी मेरे को ये लगता है कि वो सिवाय रॉक गार्डन और लेक के कुछ नहीं दिखाते. मुझे लगता है कि अगर आप एक सिटी ब्यूटीफुल आप देते हो उसको यूनेस्को हेरिटेज सिटी के नाम पे आप डालते हो तो आई थिंक यू शुड शोकेस अ लॉट मोर एंड होपफुली वी आर अबाउट टू डू दैट इन द नेक्स्ट फिल्म. वंडरफुल वंडरफुल. सो अभी हम लोग आपके ना उस पे चलते हैं जिस पे हमें इंटरेस्ट भी है जानने के लिए बिकॉज ऑल ऑफ अस स्ट्रगल एट वन पॉइंट और द अदर. ठीक है तो ऐसे चैलेंजेस क्या थे जो आपने फेस किए और हाउ डिड यू ओवरकम देम. कोई मेजर चैलेंजेस फेस. टीम बिल्डिंग सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कमिटेड टीम बिल्डिंग. फिल्म एक ऐसी चीज़ है कि लिखने के बाद से जब तक प्रोडक्शन में नहीं जाएगी आपको नहीं पता कितना टाइम लगेगा. इट इज़ लाइक आपने प्रोडक्ट सोचा और आपने टीम के साथ काम करना शुरू किया जब तक वो प्रोडक्शन में नहीं गया. मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकती है या आप मैन्युफैक्चरिंग में है जब तक वो प्रोडक्शन में नहीं गया कि पहली चीज़ क्या निकलेगी. टीम बिल्डिंग पहले आपको चाहिए टिल शूटिंग में तो अलग स्टारकास्ट ही चाहिए. फिर शूटिंग खत्म होगी उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन आपको टीम चाहिए. सो यू आर वर्किंग विद मल्टीपल टीम्स. तो पूरी टीम को अपने साथ रखना 2-3 साल के लिए. पूरी जो टीम होती है इन द फिल्म फ्रेटर्निटी इट इज़ अ वेरी कमिटेड टीम बट दे आर नॉट अ बाउंड टीम. सिनेमाटोग्राफर आफ्टर ही हैज डन योर फिल्म जिसका ये शूटिंग खत्म हो गई वो अब दूसरी के पास चला जाएगा. नहीं हमारे यहाँ भी फ्रीलांसर्स होते हैं लाइक यू नो सो मतलब उसमें मैंने एक चीज रियलाइज की है कि देयर इज अ कभी ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेटिंग. जिसने एक तरीके को एक जैसा काम दिया उसने दूसरे को भी अगर सेम काम दिया तो जब चार फिल्में मार्केट में आती हैं तो आपको बहुत सिमिलैरिटी फील होनी शुरू हो जाती है. अच्छा आप कहते हो कि दिस कॉन्सेप्ट लुक सिमिलर
the shooting time looks similar, the background score starts looking similar. आप background programmer के पास जाते हो, music के पास, अगर जैसे feature film है, 2 घंटे की film है ना, तो उसको background programming करने में 1.5 महीना लगता है लगभग. तो उनके पास जब फाइल जाती है तब ऑलरेडी उनके पास 11 फिल्में पड़ी होती हैं. तब आपका जब म्यूजिक का फर्स्ट कट आता है उसमें इतनी खिचड़ी पकी होती है, अब मैं सरी पकड़ लेता हूँ. मतलब इसलिए यू नीड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट. एक माँ और एक बाप से आप पूछोगे ना कि आपने अपने बच्चे को कितने आवर्स ऑफ कमिटमेंट दी, तो वो गिन नहीं सकते. वो कहते हैं जब तक बच्चा मतलब अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता. हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट, मतलब यू कैन नॉट गेट रिलीव्ड ऑफ दैट ड्यूटीज. तो जब तक आपकी फिल्म है, चाहे वो आपने अच्छी की बुरी की, यू आर लिविंग द सक्सेस फेलियर एंड योर नेक्स्ट फिल्म इज फेट ऑन दैट. सर आपको कैसे लग रहा है 135 बच्चे पैदा करके? सारे कैसे नहीं है. चैलेंजेस विद रिगार्ड्स टू टेक्नोलॉजी भी कभी आए हैं? बहुत है. वंस यू आर इन द स्टूडियो यू रेंडर द स्टूडियो सर्विसेज, सो दैट मेक्स अप फॉर दैट बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी लाइसेंस फीस फॉर दैट. वंस यू हैव हायर्ड अ स्टूडियो, मेंटेनिंग लाइसेंसेज ऑफ एनी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर दैट दे आर यूजिंग इन टेक्नोलॉजी, इट्स देयर थिंग. ओके, एक आपने आर्टिस्ट के साथ फिल्म कर लिया, जब तक आपकी फिल्म डबिंग पे गई, आर्टिस्ट इज नॉट अलाइव एनी मोर. नाउ हु इज गोइंग टू डब द वॉइस? नाउ द पर्सन इज नॉट अलाइव, सो यू हैव टू रिक्रिएट द वॉइस एलिमेंट. सम आर्टिस्ट इज गोइंग टू डब, नाउ यू गोइंग टू मैच दैट वॉइस. That is a technological challenge. Sometimes when you are investing into your own studio facilities, technology ke kharche tab pata lagte hain. Investing in a mic, investing in wireless equipment, investing in drones. Ab drones filming mein, drones ka actual usage kahan se shuru hua tha, aap usi ko socho. Basically to monitor. सर्वेलेंस के लिए ड्रोन शुरू हुए थे. अब एग्रीकल्चर में चलेंगे, अब पेस्टिसाइड भी जा रहा है, अब दवाई भी जा रही है, अब खाना भी पहुंच रहा है. पर ड्रोन वाज अल्टीमेटली मतलब दैट्स द हिस्ट्री आई अंडरस्टैंड ऑफ इट, कि वो सर्वेलेंस के लिए यूज़ होते थे, कि जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, आर्मी नहीं जा सकती, वहाँ पे पहले आपने ड्रोन भेजा, एरिया को नेविगेट कर लिया और वो आपने वापस ले आया, फुटेज पुल आउट करके आपने देखा कि उसके अंदर क्या है. फिल्म्स ने ड्रोन्स को बहुत पॉपुलराइज किया. अब आप देखो बहुत स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं, हार्डवेयर पे. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जितना भी हमारे पास इक्विपमेंट भारत में आ रहा है वो सारा इम्पोर्टेड आ रहा है. कोई भी फिल्म टेक्नोलॉजी जो हम अपने ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, इवन जो ये माइक्स हैं रोड के, ये इंडियन नहीं है, ऑस्ट्रेलियन है. इवन द कैमराज दैट वी आर यूजिंग दे आर ऑल जैपनीज कैमराज. मतलब भारत में इमेजिंग, कमर्शियल इमेजिंग, कमर्शियल ऑडियो बहुत कम बन रहा है. जो मैंने कमर्शियल स्पीकर सेट देखे आहूजा कंपनी के जगरातों में, नहीं, नहीं, फिल्मों में यूज किए, बट वो फिल्मों में प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं यूज हो रहा. कंसोल यामा का यूज हो रहा है, इट्स ऑल जापानीज. देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में है, देयर इज लाइक यू वर मेकिंग दिस पॉइंट बिफोर आल्सो, कि इतना ज्यादा स्कोप है दैट इंडियन वर्जन ऑफ लेट्स से जस्ट द माइक के नॉइज कैंसिलेशन, यू टॉक्ड अबाउट ओमनी डायरेक्शनल माइक्स, अगर हो जाए तो कितना बेटर हो. क्योंकि जैसे ये माइक है, ये इसकी R&D जब किसी भी प्रोडक्ट की होती है तो वो एक एनवायरनमेंट में होती है. मान लो एक अमेरिकन इनोवेशन है, वो टेस्ट करते हैं और वो इंडिया में, हमारे ना रिटेलर्स बहुत प्राउड बैठते हैं, पाजी असी थानू इंपोर्ट, वी आर गिविंग यू इंपोर्टेड सामान. हम इंपोर्टेड के नाम पे ले लेते हैं, भैया बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन वो हमारे एंबिएंट कंडीशन के हिसाब से ट्यून नहीं है. क्योंकि हम यहाँ जब सड़क पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, पीछे ड्रिल चल रही है, पीछे किसी की मम्मी अपने बच्चे को बोल रही है ओए तू बाहर क्या कर रहा है, मतलब आपको हर तरीके का नॉइज आ रहा है और आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है और आप खड़े हुए हैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं या यू आर शूटिंग योर सीन. तो इंडिया में तो नो मैटर जितने भी हम लाइव सिंग साउंड इक्विपमेंट यूज कर लें, वी एक्चुअली आर स्पेंडिंग सम मनी गोइंग बैक इन द स्टूडियो टू री रिकॉर्ड डू द डबिंग ऑफ दैट एंटायर सीक्वेंस. वंडरफुल. अभी थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं एंड एक फिल्म डायरेक्टर की लाइफ एंड एक फिल्म की तरह से हम स्टार्टअप्स को लेते हैं. जो जो चैलेंजेस या जो जो फेजेस हमारे आते हैं, हम इन पे डालते हैं और देखते हैं ये कैसे टैकल करते हैं, राइट? सो सबसे पहले हमारा चैलेंज होता है हमारा कस्टमर. We all have to understand our customer. अब आप जब पिक्चर बना रहे हैं, आप अपने परस्पेक्टिव से बना रहे हैं, राइट? आपने अपने आप सोचा कि ये है. Where does, and हम लोगों को भी यही करना, हम प्रोडक्ट बनाते हैं या सर्विसेज बनाते हैं, हम अपने परस्पेक्टिव से शुरू होते हैं. बट हमें हर किसी को पता है यहाँ पर कि वो चीज़ आगे जाके चलती नहीं जब तक कस्टमर उसे अप्रूव ना करे या कस्टमर उसे एक्सेप्ट ना करे.
where is that, like, you know, ki aapke case mein, how much is it customer's point of view and how much is it all your assumption ke ye pasand aayegi cheez, isko kaise karte ho aap handle? Okay, so jo word hai producer, ye films se hi shuru hua hai. तो इट्स अ गिव मॉडल, इट्स लाइक द ग्लेशियर मेल्टिंग एंड वाटर गिविंग मॉडल. अच्छा, तो फीडबैक इज वेरी लेट इन दिस प्रोसेस. हाँ, वो वेरी लेट. इसमें यू कांट डू अ कंज्यूमर रिसर्च, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म वुड यू लाइक टू वॉच, फिर तो वो पिक्चर ही नहीं बनती, फिर वो सीरियल ही नहीं बनता. बिकॉज नेवर एवर हैज आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ रिसर्च वेयर आई हैव बीन आस्क्ड कि अच्छा आप अगला सीरियल कौन सा देखना चाहोगे टीवी पे, एंड यू हैव नो क्लू. इवन इफ दे आस्क यू, you will have no clue ki usme kya dalna hai, because we don't know the aspects that go into a common man who is not acquainted to how the film or the television setup works. To wo nahi bata sakte. To generally it's a give model. Abhi koi bhi film agle, matlab Friday hai kal, jo cinema ghar mein lagegi, koi aap se pooch ke nahi banayi kisi ne. Jo wo bana sakte the, jo kahani unko samajh mein aayi, kahaniyan aise hi banti aayi hain. Agli film किसी की बायोपिक बनेगी, किसी में इनोवेशन स्टोरी बनेगी, कोई स्पोर्ट्स पे फिल्म बन जाएगी, कोई रोमांटिक फिल्म बन जाएगी. ये सारी एक उपज होती है निर्माताओं की, लेखकों की. हमारे केसेस में हम लोग MVP बनाते हैं, ये होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. एक हम टेस्ट करते हैं मार्केट, कोई फिल्मों में भी टेस्टिंग होती, शॉर्ट फिल्म होती है, शॉर्ट फिल्म से टेस्टिंग होती है. शॉर्ट फिल्म और फिल्म में डिफरेंस ये होता है ड्यूरेशन का बस. अच्छा, मेहनत उतनी लगती है अगर उसको बनाओ वैसे, मतलब शॉर्ट फिल्म की ड्यूरेशन है ना, एक गेज जो होती है ना, जो रील लेंथ होती है, 60 मिनट से नीचे शॉर्ट फिल्म काउंट होती है, 60 फिल्म से ऊपर फीचर लेंथ काउंट होती है. छोटी फिल्म बना करके आप टेस्ट करते हैं, जैसे लोग गाना बना करके टेस्ट कर लेते हैं कि ठीक है सिनेमाटोग्राफी अच्छी लग रही है, लोगों को थोड़ा हमारी लुक अपील आ रही है, कुछ आ रही है. मैंने ये चीज़ देखी इस काम में कि audience is people who are unknown to you. हम नोन लोगों से मैक्सिमम फीडबैक लेते हैं. जो हमारे मुंह पे मिलता है ना, वो हमेशा कहता है जी पाजी आप पिक्चर, मैं अगर आउट ऑफ द माइंड, क्या पिक्चर नहीं आपने, आपकी चल तो रही नहीं है यार, मतलब आस्क नहीं आ रही. आस्क का मतलब क्या है, आर पीपल गोइंग टू द टिकट विंडो टू वॉच योर फिल्म, वो टिकट बाय कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं. आपका डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा. अब फिल्म में चैलेंज ये है, ऑडियंस तो चैलेंज है ही है, और ये भी चैलेंज है आपकी ऑडियंस, आप किसको ले रहे हो, क्योंकि आप पिक्चर बेच किसको रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर को, थिएटर को, या डायरेक्ट टू पब्लिक. अलग चीजें हैं ना. सिनेमा हॉल में पब्लिक तब आएगी जब सिनेमा हॉल पिक्चर लगाएगा. तो अभी आपका जो कस्टमर है वो सिनेमा हॉल है, वो पब्लिक है ही नहीं है. पब्लिक तो देखेगी जाकर के पिक्चर कौन सी लगी है, अगर आप अच्छा, और वहां पे नंबर ऑफ स्क्रीन्स बाय करनी है आपने. आप जाके देखोगे कि अगर ये पिक्चर की यार 50 शो हैं, इसके 2 शो ये नहीं चल रही, 50 वाली चल रही है यार पिक्चर, तो उनको लग रहा है कि अवेलेबिलिटी बहुत है, तो इसका मतलब डिमांड बहुत है. अभी सेल्स एंड मार्केटिंग, हमें कस्टमर समझ आया, सेल्स एंड मार्केटिंग समझ आया, अभी दिक्कतें तो और हैं स्टार्टअप्स में. Okay, केस में एक चीज़ और है कि फिल्म का मार्केटिंग बजट को कहते हैं PNA, यानी कि प्रिंट एंड एडवर्टाइजमेंट. PNA बजट कितना है, अब डिजिटल बजट कितना है. तो अब जनरली जितनी फिल्म की कॉस्टिंग पड़ जाती है, उतना ही उसका मार्केटिंग बजट खड़ा हो जाता है. अगर आपकी पिक्चर 20 करोड़ में बन रही है, तो आपकी पिक्चर का लगभग 20 करोड़ ना सही 15 करोड़ तो मार्केटिंग बजट खड़ा ही खड़ा है, क्योंकि आपने जो वो 20 करोड़ लगाए हैं, उतना लोगों को जागरूक भी करना है कि सिनेमा हॉल में पिक्चर ला के देखो. क्योंकि अल्टीमेटली मनी रिकवरी कहाँ से हो रही है. इफ आई लुक एट OTT वेयर पीपल आर वॉचिंग फिल्म, द प्रोड्यूसर डजंट गेट द डायरेक्ट कस्टमर मनी. वो तो OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर हैं, प्रोड्यूसर के सब्सक्राइबर नहीं है ना. सो जसप्रीत जी, अ डायरेक्टर नॉर्मली द फंडर ऑफ द मूवी इज अ प्रोड्यूसर, और द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द कैपिटल एंड द इन्वेस्टमेंट इज द प्रोड्यूसर. इज द प्रोड्यूसर द डायरेक्टर इज बेसिकली इक्वलेंट टू द CEO ऑफ द थिंग. ओके, सो इसमें डू यू फील लाइक एन एंटरप्रेन्योर, कि मैं लेट्स से मैं अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ, और डू यू फील लाइक कि यार मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ? यार हम तो दिल से ही काम कर रहे हैं. कभी सोचा नहीं कि फुर्सत ही नहीं मिली सोचने की. देखो रिस्क तो हम ले ही रहे हैं, ठीक है. बहुत चीज़ों में रिस्क कैलकुलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इट्स अ नॉन कैलकुलेटेड रिस्क. तो हर चीज़ हम बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं. वी आर
कभी कभार ना पैशन आपका इतना चल जाता है कि सडनली यू रियलाइज कि अब हर कोई जानता है, मतलब इतनी चीज चल जाती है ना, हर एक की जुबान पे आपका नाम होता है या आपकी फिल्म का नाम होता है या आपके प्रोडक्ट का नाम होता है, तो शायद बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि शायद ये मिनरल वाटर का बनाने वाला कौन है, लेकिन आप ही मिनरल वाटर पी रहे हो और आपको इसकी रिकग्निशन है, तो वो भी आप ही की रिकग्निशन है। पता नहीं अब इसको एंटरप्रेन्योर कहेंगे, कहते तो यही है कि एवरीबॉडी हु विल मेरे पास टेक रिस्क, अगर आपकी स्टोरी पे आप कन्विंस नहीं है, अगर आप एक किसी का कैंपेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर जिनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कन्विंस नहीं है इन द एंड, तो वो चीज स्टार्ट ही नहीं करेगी। तो हम एट एवरी स्टेज हमें वैल्यूएट करनी है कि जो हमने पिक्चर ड्रॉ करी थी उसके क्लोज हम मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कन्विक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑडियंस जो है वो वन टाइम वॉच है। इट इज़ नॉट अ बर्गर कि आपने आज खाया, आपको उसका टेस्ट लग गया तो आप अगले हफ्ते फिर खाने चले जाओगे, आपने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली, आपने वो ग्रीन टी का पैकेट ही खरीद लिया। फिल्म है, सेम प्रोडक्शन कंपनी से, सेम डायरेक्टर से दूसरी आने में साल लग जाएगा, और वो भी आपने एक ही बार देखनी है। बहुत पसंद आएगी, दो बार देख लोगे, तीन बार देख लोगे, बट देर इज नो रेगुलर कंजम्पशन फ्रॉम वन पार्टी दैट यू आर गोइंग टू सी। इवन इफ अगर कोई भी कलाकार आपका बहुत फेवरेट है, उनकी कोई 500 फिल्में नहीं आई आज तक, अभी भी 100-200 आपको याद भी नहीं होगा, आप गिन भी नहीं सकते कितनी फिल्में आई होंगी, शायद आपकी पसंदीदा आपको याद रहेंगी। तो मॉडल यही है कि रिमेम्बरेंस और रिकॉल कितना है। वॉट वुड बी योर you know words of inspiration from the point of view of a film director ke hum log kya apni lives mein kare ya kar sakte hain which gets inspiration from film director or films like you know believe in your story log aapko kahin bhi milenge aur wo aapko kuch bhi puchenge kuch bhi biggest of the thing aapne ye kaam kyon kiya aapka kaam acha I know somebody people tell me I know somebody in the film industry wow फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो लाइनमैन है, वो इलेक्ट्रिशियन है फिल्मों में, मेरा एक बंदा है वो फिल्मों में काम करता है, मैं उनसे पूछता हूँ क्या काम करता है, उनके पास जवाब नहीं होता। अच्छा, हाँ जी भाई, पता होता तो वो मुझे बता ही देते ना कि वो क्या काम करता है। इट मीन्स यू आर नॉट क्लियर ऑफ व्हाट अ प्रोफाइल दैट पर्सन हैज़। सो योर आइडिया, योर प्रोफाइल, सबसे पहले आपकी कन्विक्शन ज़रूरी है, बिकॉज लास्ट माइल आप ही अपने प्रोडक्ट के साथ, आप ही अपने आइडिया के साथ खड़े हो। भगवान ना करे किसी की भी कंपनी कभी भी बंद हो, मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में इतनी बरकत हो लोगों के उद्योग की कि जो भी आप शुरू करो बिलीव करो, इससे पहले कि हमारी फिल्म्स भारत के बाहर कहीं भी, कांस, रोटरडैम, ऑस्कर, टोरंटो, बाफ्टा, कहीं भी जाती, मेरा लक्ष्य था। मैंने कहा जिस दिन पहले भारत, पहले मेरा देश, पहले जहाँ से मैं उठा हूँ, पहले जहाँ से मैं उगा हूँ, जब तक वहाँ से मेरे को पुश नहीं मिलेगी ना, पहले जहाँ से आप उठे हो, पहले मैं रियलाइज़ करता हूँ उठ के, क्या मेरे शहर में भी लोग मेरे को जानते कि नहीं जानते, मैं कहाँ से वर्ल्ड फेमस हो लूँगा, मेरा पड़ोसी नहीं मेरे को जानता। और होता यही है, आपके तीन घर छोड़ के वालों को नहीं पता होता आप क्या कर रहे हो, बड़ा आप इतने बड़े उद्योगपति बन चुके होते हो। तो जानने के बाद भी मना कर देते हैं ना? नहीं, वो मना करें वो नहीं मैडम, वो मना करें, हम चाहते हैं वो मना करें ना, मना करें, मैं तो चाहता हूँ कोई मिले मुंह पे मना करे, अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि किसी में हिम्मत है, आपका ना आपका एक कन्विक्शन जो है ना वो टच होता है उससे, क्योंकि आपको हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे, सबको, फिल्म्स में नहीं, हर एक इंडस्ट्री में, वेदर यू आर इनटू पॉलिटिक्स, वेदर यू आर इनटू स्पोर्ट्स, यू विल ऑलवेज हैव पीपल हु विल नॉट एग्री विद योर आइडियोलॉजी। वो तो है, आप सबको खुश करके काम कर ही नहीं सकते। फिल्म्स में क्या होता है, आज की डेट में कोई भी कैंपेन, गाना या फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पे आता है, कॉम्पिटिटर लगे होते हैं डिसलाइक का बटन दबाने के लिए इसके देखो रेपुटेशन कैसे करें। जब आप लॉग इन करोगे ना, 1000 लाइक, 5000 डिसलाइक, इतने लोग डिसएग्री कर रहे हैं। हमारी किसी चीज को लेके अपब्रिंगिंग या हमारे बच्चा कैसा है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बाहर वो कैसा है वो हमें पता है, वो शायद कभी कभार हमें नहीं भी पता, बट हमें पता है हाउ वी हैव रेज्ड इट। तो सबसे ज्यादा
लंबा अरसा आप अपने प्रोडक्ट के साथ जीने वाले हो, उसका सपना लेने से लेके उसको शिखर तक जाते हुए देखने का, और जाके देखना कभी ऊपर चढ़ के देखना, ऊपर चढ़ने की जगह कभी कभार अकेले बंदे की होती है। बिल्कुल ठीक। तो बहुत लोग रस्ते में मिलते हैं, आपने कहा ना कि कनेक्टिंग द डॉट्स, मेरी जिंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि मेरी जिंदगी एक ट्रेन की तरह है। मैं सिर्फ इंजन में बैठ सकता हूँ और ये डिसाइड कर सकता हूँ कि किस डेस्टिनेशन तक जाना है। आपकी ट्रेन में बहुत सारी बोगियाँ हैं और उसमें बहुत सारे लोग आपकी जर्नी में चढ़ेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे, कंडेम करेंगे, खुश भी रहेंगे, आपको दुआएं भी देके जाएंगे, आपको टिप भी देके जाएंगे, लेकिन हर आदमी आपके साथ आपकी लास्ट डेस्टिनेशन तक नहीं जाएगा। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग ही सेड। ही सेज योर आइडियाज एंड योर स्टोरी यू नो इज द मेन थिंग, दैट इज योर स्टोरी, That is what you have to drive. And जब तक आप अपने आप को believe नहीं करेंगे, अपनी story को खुद ही नहीं believe करेंगे, दूसरा कैसे कर लेंगे? आपका idea बेशक unique ना हो, but आपका अंदाज unique रहने वाला है। क्या बात है? So, ये हम कहते हैं, भाई love stories कितने type की बन जाएंगी? प्यार करने कितने तरीके हैं मेरे को बताओ? हम गिन भी नहीं सकते, पर हर एक की story unique है। If you look at the stories of Valor Army, भारत भारतीय आर्मी की, या किसी भी वर्ल्ड वॉर की, पार्टीशन की स्टोरीज, हर घर में एक कहानी है। सबको बनाने चले जाओगे तो पूरी नहीं पड़ेंगी, बनती जाएंगी। वही ना, पेटेंट आप दाल मखनी पे कर ही नहीं सकते। हर कुक की एक अंदाज है उसको बनाने का, उसने तड़का कैसे लगाया। तो हमें किसी का स्वाद पसंद आ जाता है। तो आइडिया मे नॉट बी यूनिक, बट योर सर्विस मे बी यूनिक, मे बी योर कनेक्ट विल बी यूनिक, मे बी योर कैरिज्मा विल बी यूनिक। वेरी नाइस, बिकॉज यू विल हैव गुड कंपनीज बट देयर विल बी वेरी लेस गुड लीडर्स, बिकॉज लीडर अगर अच्छे हो ना और टीम अगर अच्छी हो, मैं ये नहीं कहता कि आई एम अ वेरी गुड लीडर, नहीं, आई विल हैव पीपल विल डिसएग्री विद मी, बट आई विल होल्ड माई ओपिनियन वेरी स्ट्रांगली, एंड मे बी आई विल हैव द कैपेसिटी कि मैं झंडा लेके खुद लास्ट माइल वॉक कर लूँगा। वो हर आदमी में नहीं होती, वो आप में हैं। जितने भी फाउंडर्स हैं, जिन्होंने भी वो दिन काटे हैं जब नहीं पता अगले दिन क्या होगा, जो वो रात काट लेता है ना, वो अगले दिन चल पड़ता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चंस मैं ही पूछता रहूँगा तो आप लोगों का ना वो फ्लेवर नहीं आएगा। सरताज जी आगे आ जाओ थोड़ा सा, तो इतने पीछे नहीं, थोड़ा सा तो आगे आ जाओ, यहाँ तक तो आ जाओ, ठीक है ना, यहाँ कहीं तक आ जाओ। अगर ये कैमरा सर थोड़ा सा इधर कर ले, आप बहुत दूर हो गए, आप भी आगे आओ ना, ठीक है। सो बेसिक आइडिया इज, अभी ना इसको खोल देते हैं, यू नो, अभी आपके पास एक जिंदा दिल पर्सनालिटी है, ठीक है। ही इज एन अवार्ड विनर, ही इज समबडी हु इज गॉट अ माइंडसेट व्हिच इज बिल्ड ओवर लाइक यू नो सब्सटेंस, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सब्सटेंस है। तो why not use this opportunity to ask any questions? यार अब पूछ लो, शादी हुई कि नहीं ये भी पूछ सकते हो, या हाँ ऐसे भी पूछो। पता है मैं सर को यही कह रहा था कि actually मुझे लगता है हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा इस दिन, कहानियाँ खत्म हो जाएंगी। हमारे पास कब से लेके अब तक कहानियाँ ही चलती जा रही हैं, और जो लोग नहीं भी काम करते ना कुछ भी, उनके पास सिवाय कहानियों के कुछ नहीं। तो सबके पास एक कहानी है, सिर्फ ये देखना है किसका अंदाज कैसा है। अब फिल्म जो है, मैं वो गौरव जी को बता रहा था, इट्स नॉट आर्ट्स, इट इज़ आर्ट, इट इज़ टेक्नोलॉजी, इट इज़ मैनेजमेंट, इट इज़ लीगल, कॉन्ट्रैक्ट्स इतने साइन करने होते हैं, वो तो बिजनेस तो है ही है ना मैडम। जो जो माउथ ऑर्गन बिगाड़ ना उसको भी 5 रुपए मिलते हैं। तो देश में जब लोग थोड़ी सी कलाकारों की इज्जत करेगी ना दिल से, उस दिन सरस्वती माँ का आशीर्वाद हिंदुस्तान में पड़ता ही जाएगा। एक ही मतलब डैटी है हिंदुइज्म के अंडर, जो म्यूज़िक और पढ़ाई दोनों को कैटर करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना कहीं हम बहुत सारा इन्फ्लुएंस हमारे कल्चर का, अब ये है ना कि फिल्में जो हैं वो कल्चर से इन्फ्लुएंस होती हैं, और बहुत सारा मॉडर्न कल्चर जो है वो फिल्मों से इन्फ्लुएंस होता है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम कैसी फिल्में बनाएं, हम आने वाली जनरेशन को क्या दे के जाना चाहते हैं।
क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हों, वो फिल्मों से क्या सीखें? घर से भागना है, ये बंदा कहाँ से सीखता है? फिल्मों से ना? नहीं 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 नहीं, क्राइम पेट्रोल से। हाँ जी हाँ जी, टीवी से ही। शाहजान इंडिया से, टीवी से। मर्डर कैसे करते हैं? तो जो राइटर जो हैं, वो केस स्टडीज पुलिस फाइल से लेके आते हैं। एक्चुअली में सोसाइटी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम, नाउ यू हैव टू सी वेयर द इंस्पिरेशन इज फ्लोइंग। कि आप कोई भी चीज पे काम कर रहे हैं, किसी भी आइडिया पे काम कर रहे हैं, सो यू हैव अ प्रैक्टिकल केस स्टडी। अगर आज की डेट में मैं ऑनर किलिंग की बात करूं, मैंने फिल्म बनाई ऑनर किलिंग, एग्जांपल मैंने नहीं बनाई, पर अगर कोई बनाता है तो ऑनर किलिंग कहीं तो उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा है ना। अब आप आज के समाज को किस चीज़ को एक्सेस करने से रोकोगे? अखबार को, मैगजीन को, यूट्यूब को, इंटरनेट को, या सिनेमाघर में? अब सिनेमाघर में कोई पिक्चर बन के लग जाए, हाँ वो तो बैन हो जाती है, लेकिन जो अखबार में लिखा हुआ है वो तो कभी बैन नहीं हुआ आज तक। तो इन्फॉर्मेशन तो फ्लो कर जाती है, क्योंकि हाँ वो आप कहते हो कि भी ऑनर किलिंग में आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में ब्रुटैलिटी दिखाओगे, बट समहाउ लोगों का दिल कमज़ोर है, मतलब जो भी रीजंस इन कंटेस्टिंग साइट होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब तक लोग ब्रुटैलिटी देखेंगे नहीं, वो उससे रिफ्रेन भी नहीं करेंगे। अगर आपको पता नहीं हाउ ब्रूटल समथिंग कैन बी, तो यू विल नॉट ऑल्सो डिटैच फ्रॉम इट ना। तो ग्लोरीफिकेशन देखो, अब मैं सर से ही बात कर रहा था कि सुपर स्टार्स किस इंडस्ट्री ने दिए? सुपर स्टार किसको कहते हैं हम? मेरे चाइल्डहुड से मेरा एक्सपोजर, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ग्लोबल है, पर फिल्मों से ही सुपर स्टार आए हैं। आज अमिताभ बच्चन साहब आएंगे ना, आपको अब सारे खड़े हो जाते हैं। मैं खुद आया हुआ, मैं खड़े ही हो गया। मतलब अपने आप से नहीं होता, जैसे कि कोई आपको कहता नहीं कि वो साहब आए, आप खड़े हो जाते हो। मतलब मे बी सम पॉलिटिशियन विल वॉक एंड यू विल नॉट एग्री विद द आइडियोलॉजी, यू विल नॉट स्टैंड अप बिकॉज यू मे नॉट सपोर्ट अ सर्टन आइडियोलॉजी, बट सम एन एक्टर कम्स, मे बी यू आर अ चाइल्डहुड फैन, और मे बी समबडी रियली। हमारे देश में तो फिल्म स्टार्स के नाम पे तो लोग अपने बच्चों के नाम रख देते हैं। इट्स अ कल्चर, इट्स पार्ट ऑफ द मॉडर्न। नहीं तो अब बताओ, अब स्टार्टअप चेंज करके तो हम जा नहीं सकते फिल्म इंडस्ट्री में। और मेरे को एक सीरियल भी बनाना है। मतलब उसमें, अच्छा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई वाज एक्चुअली इनवाइटेड टू 2-3 ऑफ योर इवेंट्स, सिक लेंस भी आपका है ना? हां जी मैडम। सो आई इज नॉट एबल टू, ये सरताज लांबा जी। हां जी एंड पहली चीज तो यू वेरी गुड लुकिंग। आपने जो सिख लेंस भी शुरू करा ना, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स कम्स रेगुलरली टू योर इवेंट्स, आई डोंट नो इफ यू नो Lily Swaran, so she's gone to Singapore now. So she said that you must meet him and come. जी मैम। तो meet तो हमारा तो वैसे ही picture बन गया, हमने तो आपको दे लिया, so it is very nice. So from the prospect of a startup point, I would like to know on behalf of everyone that is a brand ambassador important, and second, who should be the brand ambassador, and what does the role of an advertisement play for us? Signing a brand ambassador is very important when you have to prioritize ki who are you selling your product to. Is it a B2B or a B2C? For example, अगर आप एक food delivery app के बारे में बात कर रहे हैं, या आप एक transportation app के बारे में बात कर रहे हैं जिसने directly consumer पे sell करना है, so either you can sell the ideology or you can sell a rider. That brand ambassador is basically the rider जिनका persona, जिनकी usage आपकी उस प्रोडक्ट के साथ, आइडियोलॉजी के साथ मैच करे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैनॉट हैव अ पर्सन हु डजंट गो टू द जिम एंडोर्सिंग अ वे प्रोटीन। समबडी शुड हैव मसल, समबडी शुड बी एन एक्टिव लाइफस्टाइल फिटनेस इन्वॉल्व, एन एथलीट और अ स्पोर्ट्स पर्सन, समबडी हु कनेक्ट्स विद द कॉमन मैन, समबडी द कॉमन मैन कैन रिलेट टू। अच्छा बॉजी कहते हैं कि ये कैब से बुकिंग करनी है, तो इसी कैब को बुक करना है, तो बेसिकली बिकॉज मे बी अ प्रोडक्ट एट दैट टाइम इज कम्पीटिंग with another company on the app or maybe or on the product level, जहाँ पे already एक brand ambassador signed है, तो visibility का factor जो है ना diminishing, वो बड़ा हमें competing level में लेके आता है। जैसे beverages में है, बहुत common है, आप देखिए उस चीज़ की जहाँ availability है वहाँ space की और storage की availability की भी बात करते हैं। Coca-Cola, जितने भी FMCG brands हैं maximum, क्योंकि वो घर घर में जाना है, दे विल साइन ब्रांड एम्बेसडर्स।
टी-शर्ट ब्रांड्स विल साइन ब्रांड एम्बेसडर्स, मोबाइल फोन कंपनीज, अब आई डोंट नो an XYZ actor will actually use that phone as a personal phone. No, they don't use. Exactly. Because they have to sell that particular product to that particular target group. For example, an XYZ company phone. अब मान लो एक एक्टर है या एक फिल्म डायरेक्टर है, कोई भी पब्लिक फिगर है, हाँ, अब वो एक प्रोडक्ट ऐसा सेल कर रहे हैं जो 8,000 रुपए का है. अब उनकी अफोर्डेबिलिटी तो 2,00,000 के फोन की भी है. वो 8,000 का फोन लेके घूमेंगे तो उनको लगेगा कि भी उनके दिन बड़े खराब आ गए. परसेप्शन की गेम भी है ना मैम, दिस इज अनदर चैलेंज वी गो थ्रू, द गेम ऑफ परसेप्शन. एडवर्टाइजिंग मैम एट एवरी स्टेज जरूरी है, वही चूज करना जरूरी है हम एडवर्टाइज किसको कर रहे हैं. अगर आप स्टोर टाइप्स कर रहे हो तो स्टोर का ओनर ब्रांड एम्बेसडर की वैल्यू भी नहीं जाएगा, वो आपके सर्विस और आपकी फैसिलिटीज के ऊपर जाएगा. लेकिन अगर उनके स्टोर पे कंज्यूमर आने वाला है तो फिर यू नीड समबडी. सो इसमें जो मैं एक लास्ट ऐड कर रहा हूँ, ही परफेक्टली सेड इट, एवरी ब्रांड शुड हैव अ फेस बिहाइंड इट. अभी हम ब्रांड एम्बेसडर सोच रहे हैं ना, बट जब हम स्टार्ट करते हैं या कुछ है, प्लीज़ हैव अ फेस ऑफ योर कंपनी. एंड आपसे बेटर फेस बडी कैब्स का कोई और नहीं. हाँ, मैंने भी यही सोचा. मॉडलिंग में चलते हैं. नहीं नहीं, इट्स अगेन द परसेप्शन ही इज टॉकिंग अबाउट. वी हैव टू क्रिएट अ कैंपेन अराउंड इट टू सेल दैट आइडिया इन दैट वेरी यूनिक वे. एनी फेस गोज, यू हैव टू बी अलाइंड. द फाउंडर ऑफ दैट प्रोडक्ट has to be aligned with that face. Don't shell out money like andhadhund paisa, is fulane actor ko le aao, is fulane cricketer ko le aao. Mat karo, because every time you will have different financial constraints. Either utne time mein aap salaries bhi nikalne ki koshish kar rahe ho, aap apna model bhi work karne ki koshish kar rahe ho, to aap us waqt 2 crore rupaye kyon kharchoge us cheez mein. Even when I have been meeting a lot of startups, I have never seen a startup go crazy boom from the region. This has been nothing. Why people go to Bangalore, why people go to Bombay? Because they are also closely associated in events, in films with the film industry. Lot of people from the industry are also investing into startups. Yeah, and you know what? Taking this, sorry, 1 minute more. I came to know about one thought process which happens in Chandigarh and Haryana by one of the investors only. They say why they don't want to invest in startups in of this area is basically because maybe the startup is very scalable. But the resource in their own city, the Tri-City and Punjab and Haryana, is not there. The same startup, if it goes to Bangalore and Hyderabad, the same investor will invest. Ma'am, hum advertising aur brand ambassador ki baat pe stick karenge. Uske liye I am here. There. The thing is there ki yahan ke log Bombay ki agency sign karayenge jaake. Jab unko wo yahan do, to wo nahi pick karenge. That is not a mindset ki baat hai. कि जो उधर है ना वो वही बड़ा है. तो विद मी विद इन आर केस वी डिड द ऑपोजिट. बार वाले यहाँ आ रहे हैं, आई नेवर गो टू बॉम्बे बैंगलोर, वो यहीं आ रहे हैं मेरे पास. For anybody who doesn't know, he is making the next film जिसमें 130 actors, 130 actor and यहाँ पर बना रहे हैं. चलो 131 मेरे को भी डाल दो. लो जी. आप आना बड़ी कैब में, ऐसे आना, ऐसे ऐसे करके ऐसे आना कि रोक दे. पूछना चाहती हूँ, जैसे कोई भी आपकी इंटरव्यू ले रहा है ना, आपका स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप खाली एक पैशन से नहीं चलता. मतलब आप में पैशन है, वो स्टार्टअप का रीजन नहीं है. उसको स्टार्टअप तक पहुंचने के लिए, उसके आइडिया तक आने के लिए एक स्टोरी भी है, आपके सर्कमस्टांसेस भी हैं. तो मेरे को लगता है कि वो हम सब वो सारी चीजें बतानी जरूरी होती है, बट वो कहीं ना कहीं आ जाता है कि आपका पैशन था तो आपका ये स्टार्टअप क्रिएट हो गया. मैं लव स्टोरी होना तो बड़ी जरूरी बात है. देखो, मतलब आपको अपने आइडिया से प्यार होना, लव स्टोरी इन दैट सेंस. आइडिया से तो प्यार है, बट वो आइडिया जनरेट कहाँ से हुआ, वो आइडिया तक पहुंचने के लिए आपने क्या स्टेप्स आप सब लोगों ने एक चीज ट्राई की, कभी आपने किसी ने अपनी स्टोरी लिखी? पोइट्री लिखती हूँ. एग्जैक्टली. आपने जब स्टार्ट किया ना, वो पहला दिन जब मैं यहाँ से वहाँ गई, ये मेरी पहली मीटिंग जब मैं यहाँ से यहाँ गई, आप अपनी जर्नी लिखो. जब जर्नी लिखोगे, एक पैराग्राफ लिखोगे, उसके बाद आप उसके पॉइंटर लिखोगे. जब आपको पता है मेरे पास बात करने के लिए हैं ही 2 मिनट, तो मैं पॉइंटर बोलूँगी,
जब मेरे पास कहानी सुनाने के लिए है, अपनी कहानी 10 ही बार पढ़ लोगे, आपने अपनी कहानी लिखी है किसी पड़ोसी की तो सुना नहीं रहे, तो आपको अपनी सारी बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी। फिर ग्रेजुअली जब आप लोगों से मिलोगे, इट स्टार्ट्स रिफाइनिंग। ये हमारे साथ भी होता है, जब हम अपनी फिल्म का पहला ड्राफ्ट लिखते हैं ना, और जब वो 60वें नरेशन पे चला जाता है, तब हम 4 लाइनों में नरेशन उड़ा देते हैं। सर ये कहानी है, आप एक फौजी के किरदार में हो, ये पिक्चर बहुत बढ़िया चलने वाली है, अब तो कन्विक्शन पे काम हो जाता है। अब मैं फ़ोन करता हूँ, हेलो पिक्चर के लिए, मैंने कहा जी सर, कितने दिन का काम है? 2 दिन सर। डायलॉग नहीं नहीं मैं सेट पे आ जाऊँगा। ओके बट क्या करूँ मैं, वो डायलॉग नहीं सुनते, कह रहे पिक्चर करनी है। इट हैपन्स मैडम, सो वंस योर स्टोरी ट्रेवल्स, देन एन इंट्रोड्यूसर विल टेल योर स्टोरी। आप अपनी जर्नी को पोएट्री में लिख दो, बी क्रिएटिव। बट ये याद रखना कि स्टोरी में अलग अलग चैप्टर्स भी आएंगे। जरूरी नहीं है कि आप जो कर रहे थे, आपने सोचा भी होगा आज आप ये कर रहे हो, 5 साल की पहले की सोच लेना अपनी कहानी, यू वुड हैव नॉट इवन थॉट ऑफ दिस। मैंने 5 साल पहले सोचा ही नहीं था। व्हेन पीपल जॉइन मी आई टॉक अबाउट फेलियर्स विद देम, आई नेवर टॉक अबाउट सक्सेस विद देम। बिल्कुल, आप उसमें क्या-क्या सफर करते हो। इवन सक्सेस गिव्स अ बिग लर्निंग, सो समबडी इज हाईली सक्सेसफुल, दैट गिव्स अ लर्निंग, एंड आई आस्क कि इससे आपने क्या सीखा लर्निंग से। जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था ना मैम, रेड कारपेट पे मैं एंटर कर रहा था विज्ञान भवन, तो उन्होंने कहा कि आपको अंदर अब नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है, आप राष्ट्रपति मैम से मिलेंगे, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब एक तो महसूस करता है आदमी जब वो चढ़ने लगता है स्टेज पे, और एक महसूस करता है जब वो उतर जाता है स्टेज पे, दोनों टाइम मेरी एक ही फीलिंग थी। मैंने कहा कि बहुत जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है अब क्योंकि जब अगली पिक्चर आएगी ना, तो लोगों की उम्मीदें छप्पड़ फाड़ दीवार के पार हैं अभी, वो कहते हैं कि कैसे हैं, तो जो अगली फिल्म बनाने का वक्त है ना, वो मेरे पर्सनल केस में बढ़ गया। इसलिए जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कंपनीज आती हैं ना, वो अपना नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट आइट्रेशन, नेक्स्ट फॉर्मूला लाने में वक्त लेती है। पहले एक चीज़ को लेके जाती है, उनको स्टेबल करती है। तो आप अपनी जर्नी को हर फेजेस में लिखो। वो फेज़ जब मैंने एक्सपेरिमेंट किए, मैंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, अगर आप अपनी लाइफ का ही एक लॉग लिखोगे ना, तो यू विल बी फार मोर कम्फर्टेबल। इस बहाने इस रूम से मुझे कम से कम 20-30 बायोग्राफीज ही मिल जाएंगी क्योंकि याद रखना एवरी हिंदुस्तान में हर घर में कहानी है। वेरी ट्रू। लेकिन उस कहानी को बनाने वाले लोग 1% से भी कम है। एक जैसी कहानी बनती है जिसमें 10-15 लाख लोग अपना मिलता जुलता कुछ ढूंढ लेते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज रोमांस लाइफ बन जाएगी तो आप रिलेट करोगे, अरे इसका दोस्त एक मेरा ऐसा भी था यार, इसके जैसा ना एक मेरा भी था, अरे पार्टीशन की स्टोरी जब ये हुआ ना, अच्छा हाँ मेरे घर की भी एक सिमिलर बड़ी स्टोरी है, हम भी बसों में बैठ के ट्रेनों में बैठ के ऐसे आए थे। तो एवरीबडी स्टार्ट्स रिलेटिंग टू योर स्टोरी। इट विल नॉट बी द सेम स्टोरी बट इट विल बेयर लॉट ऑफ स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज, एंड वेयर यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटीज, दैट इज़ वेयर द कनेक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स बिगिनिंग। आपको पता है किसी भी बड़े ट्रेड में सबसे बड़े चीज़ क्या है हिंदुस्तान में आज भी? आप मैडम कहाँ से हैं? लुधियाना। अरे मैडम मेरे वो भी तो लुधियाना रहते हैं, बस ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है टॉपिक, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टॉक। लुधियाना तो मैडम मैं आता जाते रहता हूँ, क्यों साहब मेरा हर से चक्कर लगता है, मेरे वो भी रहते हैं सराबा नगर, मेरे वो भी रहते हैं, मेरे वो भी रहते हैं, मेरे उसका वो वहाँ भी रहता है। हिंदुस्तान बहुत अच्छी जगह है, मतलब आप कहीं भी चल रहे पूरे वर्ल्ड में, वो रिश्तेदारी निकाल लेंगे। हाँ रिश्तेदारी निकाल ली वहाँ तो आइस ब्रेक करना, 10% का पड़ाव तो आपने पार कर ही। अशोका होटल भारत सरकार का एक ही अच्छा एक मेन्यू है दिल्ली में, कि वहाँ पर वो सिक्योरिटी है, मतलब उसके अंदर फिर कोई आ जा नहीं सकता, वो गेट पे चेक करते हैं, जब उसको उनको पता है कि ये इस पर्टिकुलर अवार्ड के गेस्ट हैं, तो आपको टैग लेबल सारा कुछ नंबर आपके पास, एक वो होता नहीं, वो प्रॉपर एक बंदा तैनात होता है गार्ड बार, मतलब आप बाहर निकले ना उसे ऑल वेल, मैं हाँ ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल अंदर चलो, फिर जो मिलने आए उसकी पूरी तलाशी होती है, मतलब थोड़ा अच्छा आपको फील होता है, एंड नेचुरली दीज आर द पर्क्स दैट कम। तो आशुतोष साहब लिफ्ट में मिले और कहते कि जसवी, हाँ जी सर मैं पिक्चर देखी है, बहुत बड़ी पिक्चर, थैंक यू सर, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मतलब उस एट दैट टाइम ना गौरव जी, ये नहीं आप सोचते कि कितने लोगों ने देखी, आप सोचते यार जो जो आदमी आपको मैटर करता है उसने देखी है ना,
तो बियॉन्ड द पॉइंट यू स्टॉप काउंटिंग हाउ मेनी पीपल एक्चुअली हैव सीन द फिल्म. अगर एडमिटेड 2020 में 30 मार्च को पिक्चर रिलीज होनी थी, आप सोचो कि पिक्चर का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज हो गया और 22nd ऑफ मार्च इट वाज अनाउंस कि चलो अपना अपना राशन लो और बैठो, अब देश सराकों पे, अब हमें समझ ना आए क्या करें. अभी हम बालकनी में गए, हमने 2 दिन बाद थालियां बीटी, चम्मच वम्मच लाए, सोचा कि कुछ तो होगा वाइब्रेशन से. फिर हम आए अंदर और फिर मैं सोचा और फिर मेरे को फ़ोन आया, सबका फ़ोन आया. अभी हालत में ऐसी है कि उस वक़्त शक्ल के 4 बजे होते, शक्ल सबके, कोई किसी का नहाने का टाइम नहीं, सब फ़ोन कर रहे हैं वो मेरा आया हो गया जी. उस वक़्त हम पढ़ रहे हैं कि न्यूज़ चल रही है, मतलब आपका ओनली सोर्स था एक रेड फ्लिकरिंग स्क्रीन फ्लिकर कर रही है. अभी लोग सोच रहे हैं zoom.us डाउनलोड क्लाइंट इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें. अच्छा आज से ना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. नहीं, हम वापस आएंगे. और हम आए वापस 13 जून को फिर ये पिक्चर रिलीज़ की. और जब हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब मेरा कमिटमेंट था पब्लिक को कि ये पिक्चर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज़ करूँगा, जहाँ दिखाऊंगा पिक्चर फ्री दिखाऊंगा, पैसा नहीं लूंगा लोगों से. वही हुआ, मतलब शायद पर ऐसे नहीं होना चाहिए था क्योंकि स्टेटमेंट आ गई थी कि पूरी प्रोड्यूसर्स गिल्ड मीटिंग कर रही है भारत सरकार से कि भाई कुछ करो, OTT वालों से कर रही है कि भाई साहब हमारा धंधा मत ले लो. उस वक्त किसी को भी कोई एक्सपेक्टेड नहीं था. आप सोचो कि इतनी सारी फिल्म्स बना करके थिएटर में पाइपलाइन पड़ी थी, अब सडनली थिएटर बंद हो गए, अब सारे प्रोड्यूसर खड़े हो गए 200-300 फिल्म वाले, वो OTT के पास चले गए भाई साहब हमारी पिक्चर रिलीज कर दो. वो कहेगा मेरे पास तो पैसे नहीं अभी देने को, बिकॉज देयर ऑल्सो मॉडल वॉज नॉट वर्क टू रिसीव अ लॉट ऑफ देयर मनी. तो बहुत चीज़ें चेंज हुई, एडमिटेड रिलीज हुई और 2020 में, और तब तक जो अब फिल्म अब रिलीज होगी इस साल जुलाई में वो मैं लिख रहा था. तो वो मैंने पूरी फिल्म लॉकडाउन में लिखी थी, उसको रिफाइन करता गया, 3 महीने वो पिक्चर लिखी, फिर वेट की, जब एडमिटेड खुली तो वो चलती रही, फिर उसको स्क्रीनिंग इतनी जगह मिलती रही कि फाइनली मुझे लगता है उस फिल्म का ड्यू 2022 में जाके मिला फिल्म को, जब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए. मतलब इस फिल्म में पुरस्कार लेने के लिए तो कभी बनाया नहीं था, मतलब वो अपना गोल ज़रूर याद रखना ज़रूरी है कि पिक्चर मैंने बनाई क्यों थी. ये मैंने पिक्चर इसलिए बनाई थी एडमिटेड क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी जेंडर को एजुकेशन राइट्स डिनाई नहीं होने चाहिए. और जब मैं धनंजय चौहान से मिला तब मुझे लगा कि उनका स्टैंड फॉर एजुकेशन इज़ वेरी ट्रू, नोबडी शुड बी डिनाइड बेसिक एजुकेशन राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. इफ़ यू डिक्लेयर योर जेंडर, इफ़ यू चेंज योर जेंडर, वट एवर यू डू, एजुकेशन का ह्यूमन राइट है बेसिकली आपका, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. आपको बेसिक क्या, एट एनी लेवल आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए. और आपको वॉशरूम की प्रॉब्लम की दो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी. तो एडमिटेड में की जो अवार्ड सेरेमनी थी, जब उसमें स्टेज पे चंडीगढ़ का नाम लिया गया ना, तो जब मेरे आगे आसपास लोग बैठे थे ना, कहते तो हैव यू मेड अ पंजाबी फिल्म, आई सेड नो, द लैंग्वेज विल नॉट डिफाइन द रीजन, आई कैन लिव हियर एंड आई कैन मेक एनी फिल्म इन एनी लैंग्वेज. एक रीजन से एक लैंग्वेज का बैरियर तो है नहीं. मुंबई की क्या लैंग्वेज है आप मेरे को बताओ, मुंबई की क्या लैंग्वेज है? एग्जैक्टली ट्रू फॉर एनी कॉस्मोपॉलिटन. पूरे भारत में इट्स अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, व्हाट इज द स्टेट लैंग्वेज? मराठी. वहाँ मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी है, वहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी है. और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं हम काउंट करते, हम इसको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, भारतीय फिल्म जगत. और ये पूरे भारत में है क्योंकि जब मैं वहाँ स्टेज पे बैठा तो कोई चंडीगढ़ से फिल्म नहीं थी साहब, कोई पंजाब से फिल्म नहीं थी, कोई JNK से फिल्म नहीं थी. नॉर्थ की रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन फिल्म सर्किट इज़ वेरी पुअर. और हम कह रहे हैं हमारी फिल्में बहुत चल रही हैं, मुझे तो इसमें डिलेमा फील हो रहा है. बहुत रेयर होता है कि मेरा घर का कोई बच्चा मुझे पुल करे कि मुझे पंजाबी फिल्म दिखाने लेके जाओ. इट डजंट हैपन एट ऑल. इट मीन्स समवेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, समवेयर दे आर नॉट गेटिंग इट, समवेयर द एडवर्टाइजिंग इज नॉट वर्किंग, समवेयर द PR इज नॉट वर्किंग. सो समवेयर वी डिड समथिंग राइट वेयर बिकॉज इट वर्क्ड.
I felt there was a big distribution nexus which I have to break. I should not be succumbing to the terms ki distributor bole ji aapki film nahi main laga sakta kyunki isme phalana actor nahi hai. Aapne kaun si film banayi hai? Agar koi 2 saal baad dekhenge. Jab main cinema hall mein picture dekhne jata hu, aap mein se kitne log कभी थिएटर में तो गई हैं, सिनेमा हॉल तो गई हैं, तो वहाँ स्टैंडीज लगी होती हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं. अगर आपकी कोई शक्ल पोस्टर नहीं है तो आप ही लगाएंगे नहीं. ये कौन डिक्टेट करेगा? तो एवरी इंडस्ट्री विल हैव चैलेंजेस. सो आपका प्रोडक्ट जब कंज्यूमर तक जाता है तो एंड माइल जो कंज्यूमर तक जा रहा है उस तक रीच कौन डिक्टेट कर रहा है? कि आपकी प्रोडक्शन डिक्टेट कर रही है या आपकी फाउंडिंग एडवर्टाइजिंग थ्योरी डिक्टेट कर रही है या उसके सामने प्रोडक्ट रख कौन रहा है वो डिक्टेट कर रहा है, वो दुकानदार डिक्टेट कर रहा है कि मेरी कि तुम्हारा तुम्हारा तेल बिकेगा, तुम्हारा आपका बिस्किट बिकेगा. क्या आप अपने ही सेल्फ स्टोर्स कितने क्रिएट कर सकते हो? सो ये चीज़ दैट्स वेरी ट्रिकी. और इन्हीं को हैंडल करने के लिए यू नीड ब्रांड प्रेजेंस, ब्रांड एम्बेसडर, बिकॉज शेल्फ स्पेस बहुत लिमिटेड है. सिनेमा हॉल के पास शोज तो उतने ही लगेंगे ना, तो आपकी प्रायोरिटी इंडेक्स में ऊपर कैसे जाएगी? मैम सबसे पहले पेंडेमिक में लिकर वेंट्स खुले थे और लाइन जो लगी थी ना, दैट्स हिस्ट्री. उनके भी ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ज़रूरत के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं. जिस चीज़ को पैरासीटामोल को कौन एंडोर्स करता है? घर घर में लोग एंडोर्स करते हैं, बुखार हो गया जी ले लो. जैसे आई फाइंड द बेस्ट ब्रांड स्ट्रेटजी अमूल. दे डोंट हैव अ फेस but they have a very clear brand strategy. Every time India wins something big, every time there is a miracle happening from India, they put it on their cover. But that girl is the point, because since you are enterprising people, you are risk takers, people come with a reference. You sell your idea like it is the original, but for the advertising you bring a reference. How can a reference present an original idea? समझ रहे हो ना? आप कह रहे हो मेरा अंदाज यूनिक है, मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, पर ऐड ऐसा बना दो. बट ऐड की बात आपकी ठीक है. निर्मा जो है वॉशिंग पाउडर, वो बिका ही उसके बाद था जब वॉशिंग पाउडर की ऐड शुरू हो. मैडम वही है ना, चिकन एंड एग वॉट. पहले क्या करेंगे? पहले या प्रोडक्ट अच्छा कर लेंगे या उसकी पहले प्रेजेंस बना देंगे. अभी हमारे साथ क्या हुआ है कि कभी कभार हमने कैंपेन्स अच्छे रिलीज किए, अवेलेबिलिटी शॉर्ट पड़ गई. तो लोग कंज्यूमर जब पहुंच गया है वहाँ पे दुकान पे लेने और वो चीज़ नहीं मिलेगी. अब जैसे कि आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ब्रांड ऑफ कॉफ़ी आई ड्रिंक. आई कैन नॉट जस्ट ड्रिंक एनी कॉफ़ी. वो कॉफ़ी जो मैं पीता हूँ वो अब स्टोर्स में मिल नहीं रही. डेविडॉफ तो मिल रही है. डेविडॉफ आई ड्रिंक अ ब्रांड कॉल्ड टाटा ग्रैंड एंड आई ड्रिंक ओनली सैशेज ऑफ इट. Because with sachets I can monitor my consumption. Sachets नहीं मिल रहे मार्केट में, शॉर्टेज कर दी है. चीज़ चाहिए और वो है नहीं, वो तो और बड़ा लॉस है. तो एडमिटेड हमने फ्री में रिलीज़ की एंड वी मेड इट एक्सेसिबल. फिर उसको इतने लोगों ने देखा. आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड टू रीड द कमेंट्स एंड आई फील जो जस्टिस हुआ है वो धनंजय के साथ बहुत हुआ है. नाउ द स्टोरी ऑफ बिगिनिंग पॉइंट जो थ्रेशोल्ड का था ना, वो ख़त्म हो गया. कोई भी स्टोरी है जब आप फिल्म में बनाते हैं उसको, किसी की भी जर्नी आप बनाते हैं, तो द जर्नी इज़ ओनली डेटेड टिल अ सर्टेन पॉइंट. आज आपकी भी स्टार्टअप की जर्नी बनेगी तो वो जब तक फिल्म रिलीज होगी तब तक होगी. उसके बाद तो आप 2 साल बाद और बड़े नए माइलस्टोन्स हासिल कर लोगे, चाहे वो स्पोर्ट्स बायोपिक बन जाए, भाग मिल्खा भाग बन जाए. मिल्खा सिंह साहब अब जब वो उनको तख्त मिला था पाकिस्तान में, वो तब तक की स्टोरी है. उसके बाद वो गोल्फ खेले इतने साल चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में, वो थोड़ी पिक्चर में दिखाना है, क्योंकि दैट इज़ नॉट इंस्पायरिंग. People playing golf, that is inspiring to nobody. That is a way of living life. Sometimes it is not inspiring when you have a bigger feat available. आप देश के लिए दौड़े वो inspiring है, golf आप अपने लिए खेल रहे हो वो inspiring नहीं है. तो इन चीज़ों से relate करना बहुत ज़रूरी है. ये बताओ, आपने picture free में कर दी, पैसे कैसे बनाया? यही तो प्रॉब्लम है. एडवर्टाइजिंग से मैडम, एडवर्टाइजिंग से, एड से. कॉर्पोरेट और ऑन डिमांड फिल्म्स इज अ वर्टिकल. जो पिक्चर मैं आपके लिए बनाऊंगा उसके पैसे हैं, जो पिक्चर मैं पब्लिक के लिए बनाऊंगा उससे पब्लिक बनाऊंगा उससे पैसे. ये आपका गिव अवे है ना. उबर ने अपनी राइड्स फ्री में दी. आप लोगों को इंसेंटिव करके पहले
मैगी स्टार्टिंग में ना जिन्हों के घर में, मतलब आई एम नॉट बॉर्न इन दैट जनरेशन, उस टाइम में जब मैगी के पैकेट घर में फ्री में फेंके थे, जिनके घर मैगी फ्री में आई थी ना, आज हर घर को पता है मैगी क्या है। 2 मिनट के नूडल हैं, आज तक किसी के घर में 2 मिनट में नहीं बने। मैंने तो टाइमर लगा के चेक भी किया था। सो समवेयर 2 मिनट मींस 2 मिनट में आया, और 2 मिनट में कोई नहीं आता। इट्स एन एक्सप्रेशन 2 मिनट नूडल्स की, भाई इट्स वेरी इंस्टेंट, वेरी क्विक, रिक्वायर्स नथिंग, जस्ट पानी एंड गैस और इलेक्ट्रिसिटी, हीट चाहिए उसको बेसिकली। सो यू जनरेट revenue by advertising, you generate revenue by licensing. There is a big vertical in films that is called licensing fees, screening fees, on demand production, that is the major revenue. अब इतने लोग talk shows कर रहे हैं, podcast लगे हुए हैं, how do they make revenue? They invest madam, for 5 years is just investment. Video बनाओ, editor रखो, edit करो, video बनाओ, फिर मार्केट में लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है इन मेकिंग फिल्म्स इज, जब 2 घंटे आपकी फिल्म लोग देख रहे हैं ना, आपने उनका दुनिया का सबसे ज़रूरी काम खुद को बना के रखा उनकी लाइफ में, कि उन्होंने अपने 2 घंटे ज़िंदगी के आपको दिए, कुछ तो छोड़ के दिए हैं उन्होंने। आप दुनिया में सब कुछ खरीद सकते हो, सब कुछ बेच सकते हो सिवाय वक्त के, सबसे मुश्किल काम है। इसलिए लोग एक्सपीरियंस पर ध्यान देते हैं। मे बी कोई आपके कैब में ट्रैवल कर रहा है, वो उन्होंने आधा घंटा आपकी गाड़ी को दिए हैं जिसमें वो बैठेंगे, तो उनको एक अच्छी एम्बियंस चाहिए, एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, मे बी ईज ऑफ बुकिंग चाहिए, बाकी सारी चीज़ें लीड टू द अल्टीमेट गोल।